वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू लास्ट सिक्स मंथ्स करंट अफेयर्स सीरीज ऑन दिस वाईटी चैनल ऑफ ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जांपल. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस आफ्टरनून सेशन में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों का वेलकम करता हूँ सिक्स मंथ्स करंट अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट सीरीज में. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली ज्वाइन द सेशन एंड ऑल्सो शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स. नीरज सिंह जी नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू द क्लास. Then we have Abhishek Parihar. Then we have Durga Shri. Welcome to the session. Welcome to the class. एक बार सभी बच्चे फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को आपके साथ स्टार्ट कर सकूं. चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो CDS OTA CAPF 2021 का जो डेली क्लास टाइम टेबल है आपके YouTube सेशन के ऊपर, YouTube क्लासेस के ऊपर, वो इस तरीके से मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 करंट अफेयर्स ये मैं लेता हूं आप लोगों के साथ, और इस करंट अफेयर्स के अलावा जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे होंगी. सुबह 9 बजे वोकैबलरी नितिन मिश्रा सर, 10 AM पॉलिटी करुणा मैम, 11:30 AM मैथमेटिक्स दीपेंद्र सर, 12:30 PM SSB इंटरव्यू करुणा मैम, 1 PM इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जी के जिस सेशन में भी आप हो ये मैं लेता हूँ आपके साथ, 2 PM CAPA पेपर टू इंग्लिश नितिन मिश्रा सर, 3 PM ज्योग्राफी अभिषेक अजय सिंह सर, 4 PM हिस्ट्री प्रबल सर, 5 PM रीजनिंग सोनल मैम, 6 PM साइंस जुबैर सर, और 7 PM इंग्लिश ग्रामर अनिल रोहिला सर. तो इस टाइम टेबल को आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो CDS CAPF और FCAT इसके लिए जो कॉम्बो बैच है रैंकर्स 2.0 में, इसमें डेली लाइव क्लासेस, PDF प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सपर्ट फैकल्टीज गाइडेंस और डाउट सेशन आपको प्रोवाइड की जाती है. तो इस कॉम्बो बैच को लेने के लिए आप लॉग इन कर सकते हो example.com पे, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हो 9873111552 पे और 8448116245 पे. एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, आज के सबसे पहले फैक्ट से. व्हेन वाज द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इनॉग्रेटेड? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन इनमें से किस तारीख को किया गया था ये बताना है आप लोगों को. नेशनल रोड सेफ्टी डे ये पूछा जा रहा है, इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर. एनीवन हु कैन टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? हेलो कामनी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन. इसको ध्यान रखना है, जनवरी 18th जो है उसके दिन, उस दिन इनॉग्रेट किया गया था. किस चीज को? तो आप बताओगे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को. शिखा जी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग द मेजर स्टेट्स? किस राज्य ने भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को इनमें से किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है ये पूछा गया है. एक कर्नाटक, ये बात तो है कि रोज कोई ना कोई डे तो जरूर होता है. इज इट ए कर्नाटका, इज इट बी महाराष्ट्र, इज इट सी राजस्थान, और इज इट डी मध्य प्रदेश? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया. प्लीज गो फॉर द रिप्लाई. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को इनमें से किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है, या शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप क्या बताओगे? इट्स द ए ऑप्शन, दैट इज कर्नाटक. ठीक है, नेक्स्ट. हु हैज बिकम द फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन, ये जो फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन का मतलब ये होता है कि जो भी वाइफ हो, जो भी हस्बैंड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, फर्स्ट जेंटलमैन हमेशा प्रेसिडेंट होगा, सेकंड जेंटलमैन या तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होते हैं, या अगर वाइस प्रेसिडेंट लेडी है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो सेकंड जेंटलमैन होंगे. यानी कि यहाँ पे बात की जाए, जो कमला हैरिस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके हस्बैंड का नाम पूछा गया है. तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दूसरे जेंटलमैन कौन है? इज इट डोंग एमहॉप, इज इट माइक पेंस, इज इट डोनाल्ड ट्रंप, और इज इट नन ऑफ द अबव? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई. वी आर ऑन द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हाट विल बी द आंसर? सेकेंड जेंटलमैन, नॉर्मली द सेकेंड जेंटलमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट फीमेल है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो होंगे. एग्जैक्टली, इट्स द डोंग एमहॉप.
ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने, ए करेक्ट आंसर है। व्हेन विल द पराक्रम दिवस बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, भारत में जो पराक्रम दिवस है ये कब मनाया गया, जनवरी 21 को, जनवरी 22 को, जनवरी 23 को या जनवरी 24 को। व्हेन विल पराक्रम दिवस बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, भारत में पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा, ये कब मनाया गया है, ये पूछा गया है आप लोगों से, पराक्रम दिवस कब मनाया गया है। कैन यू प्लीज रिप्लाई द आंसर, कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। एग्जैक्टली, इट्स द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी क्या है ये, तो आप बताओगे बर्थ एनिवर्सरी, ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये क्या हो जाएगा, जनवरी 23। एग्जैक्टली, इट्स द सी ऑप्शन, एब्सोल्यूटली करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विच नेशन हैज डिसाइडेड टू सैंक्शन 28 अमेरिकन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी मिशेल पोम्पियो, किस राज्य ने पूर्व राज्य सचिव माइकल पोम्पियो सहित 28 अमेरिकी अधिकारियों को मंजूरी देने का फैसला किया है, उत्तर कोरिया, चीन, जापान या रशिया, ये पूछा गया है। विच नेशन हैज डिसाइडेड टू सैंक्शन 28 अमेरिकन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी माइकल पोम्पियो टू एंटर इनटू द टेरिटरी और टू विजिट द टेरिटरी, ये सैंक्शन किस कंट्री के द्वारा किया दिया गया है, ये पूछा गया है आपसे, इज इट नॉर्थ कोरिया, इज इट चाइना, इज इट जापान, इज इट रशिया। और ये इसलिए कि अमेरिका डिमांड कर रही थी कि जो वुहान प्रोविंस में ब्रेकआउट हुआ है कोविड वायरस का, वो इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कि क्या ये नेचुरली अकर्ड है या फिर इसके अंदर कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी थी या कोई ना कोई इसके अंदर साजिश थी। तो आप क्या बताओगे, इट्स द चाइना, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व, भारतीय सेना दिवस इनमें से कब मनाया जाता है, जनवरी 15th, जनवरी 14th, जनवरी 16th या जनवरी 17th। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व, भारतीय सेना दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व, कैन यू प्लीज रिप्लाई टू मी, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन क्विकली। और जितने लोग लाइव है बेटा, प्लीज एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, इट्स द जनवरी 15th, 15 जनवरी जो है इस दिन भारतीय सेना दिवस जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। द आंसर इज विच वन, यू कैन से जनवरी 15th, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी काफी न्यूज में था इस कोविड के दौरान, और इसमें यह भी कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वे नहीं है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। तो रक्त प्लाज्मा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, ब्लड प्लाज्मा इज अ येलोइश लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द ब्लड वेसल्स ऑफ होल ब्लड इन सस्पेंशन, रक्त प्लाज्मा रक्त का एक पीला तरल घटक है जो पूरे रक्त की रक्त कोशिकाओं को निलंबित में रखती है, इट मेक्स अप टू अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम, ये शरीर के कुल रक्त मात्रा का लगभग 55% है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं रिलेटेड टू द ब्लड प्लाज्मा, और पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें रिलेटेड टू द ब्लड प्लाज्मा, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर एंड व्हाट वुड बी योर रिप्लाई, क्या होगा इसका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। एम आई क्लियर टू यू बोथ ऑल ऑफ यू, इसको ध्यान रखना है। अ हाई लेवल कमिटी टू कॉमेमोरेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र, इसको हम पराक्रम दिवस कहते हैं, इज हेडेड बाय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये पूछा गया है आपसे, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। जो एक हाई लेवल कमिटी सेटअप की गई थी इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
उसको किसके द्वारा हेड किया गया था और इसको हमने क्या कहा था, पराक्रम दिवस। ये क्या था हमारा, तो आप क्या बताओगे, पराक्रम दिवस था। और इस कमेटी को हेड किया गया था किसके द्वारा, तो आप क्या बताओगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इट वॉज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। चलिए, द थीम एडवाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस वॉज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। वैश्विक शांति बहाल के लिए युवाओं को बदलने हेतु शिक्षा प्रदान करना इनमें से किसका विषय था। एडवाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस वॉज द थीम फॉर हैकाथॉन 2020, एडुकॉन 2020, इंटरनेशनल यूथ डे या फिर नेशनल यूथ डे, ये पूछा गया है। एडवाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस वॉज द थीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट और फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ये पूछा गया है। एडवाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, ये इसमें से किसकी थीम है, तो आप क्या बताओगे, नाइन्थ का क्या होगा आंसर, दिस इज द एडुकॉन 2020, नॉट द इंटरनेशनल यूथ डे, इट्स द एडुकॉन 2020। कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एनी वन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट द नेशनल यूथ डे, प्लीज गो फॉर इट। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट की जाती है, आपको ध्यान रखना है ये सेलिब्रेट किया जाता है 12th जनवरी को, और बेसिकली ये क्या है, इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी का क्या है, ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद जी है, इसको ध्यान रखना है। आई बात समझ में, और यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आप क्या बता दोगे, तो ये ध्यान रखना आप 12th अगस्त को, ये कब होगा 12th अगस्त को। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ द एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में या महाप्रबंधक के रूप में इनमें से किसको नियुक्त किया गया, अश्विनी कुमार तिवारी, स्वामीनाथन जानकी रमन, राम मोहन राव अमारा या मोहन तनेजा, इन चारों में से जो एसबीआई कार्ड है इसके एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एसबीआई कार्ड, इज इट अश्विनी कुमार तिवारी, इज इट स्वामीनाथन जानकी रमन, इज इट रामा मोहन राव अमारा और इज इट मोहन तनेजा, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर, प्लीज रिप्लाई टू मी, प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी वेरी क्विकली, क्या होगा इसका आंसर। तो एमडी ऑफ एसबीआई कार्ड के रूप में अपॉइंट किया गया है राजा रामा मोहन राव अमारा को, राम मोहन राव अमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है ये कब सेलिब्रेट की जाती है, 24 जैन को, 25th जैन को, 38 जनवरी को या 3rd मार्च को, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। आई एम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11th, अब हम लोग 11वें क्वेश्चन पे हैं कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे या विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, इज इट जनवरी 24, जनवरी 25, जनवरी 30th और मार्च 3rd, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई सभी लोग। तो आपको क्या याद रखना है, 30th जनवरी जो है ये सेलिब्रेट की जाती है किसके रूप में, वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में। एम आई क्लियर टू यू ऑल, क्या सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच रहे हैं, क्या आपको विजिबल हो रही है सारे क्वेश्चंस, ये तो बिल्कुल रियल टाइम में जा रहा है आप लोगों को, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक हैज बीन लॉन्च्ड, भारत के किस भाग में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया गया। एम्प्यूटी किसको कहते हैं, जो लोग डिफरेंटली एबल्ड है, जो लोग डिफरेंटली एबल्ड है, या हम कह सकते हैं जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भारत के किस एरिया में सबसे पहला एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है, किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बताना है आपको। इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक, आप क्या बताओगे, इट्स इन एप, दैट इज द चंडीगढ़, कहां पे, तो आप क्या बताओगे, चंडीगढ़ में। देखो, इन सभी क्वेश्चंस को आपको घर पे जाके प्रैक्टिस फिर से करनी है, और
ताकि आपको सही तरीके से चीजों को याद कर रखा जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक न्यूज के बारे में, संवेदना। ये इनिशिएटिव लॉन्च की गई है इंडिया में, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए, आपको बताना है कौन सा फैक्ट सही है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसको लॉन्च किया गया है साइकोलॉजिकल और सोशल मेंटल सपोर्ट देने के लिए उन चिल्ड्रंस को जो लोग अफेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक। यानी कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसे COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों के लिए मनोसामाजिक मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोचिकित्सक सहायता के लिए शुरू किया गया है। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी पहल है ये। एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं संवेदना के बारे में और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये पूछा गया है। देखो जब ये एक स्टैचुअरी बॉडी है तो ये किसी मिनिस्ट्री के एजीज में काम नहीं करेगी, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहले दो स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहले दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द ए ऑप्शन। देखो बच्चों का मेंटल स्टेटस सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है इस COVID-19 में, बिकॉज भाई जो बच्चे हैं जो नॉन टीन एज हैं, दे लव टू प्ले इन द ओपनली, उनको मिंगल करना जरूरी है बच्चों के साथ अच्छे इंट्रैक्शंस के लिए, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे घर में रहते हुए ये बच्चे बहुत ज्यादा मेंटली अफेक्टेड हुए, इस पे कहीं डाउट नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। विच IIT हैज वोन द कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6? किस IIT ने कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6 को जीता है? जो कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज है इनोवेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर चैलेंज को किसने जीता है? IIT खड़गपुर ने, IIT मद्रास ने, IIT बॉम्बे ने या IIT कानपुर ने? इसमें ध्यान रखना है कि इन चारों में जो IIT खड़गपुर है ये आपको ध्यान रखना है ओल्डेस्ट IIT है, ये इंडिया की सबसे पहली IIT है, और इसका आंसर भी आपको क्या हो जाएगा, IIT खड़गपुर। कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6 जीता है IIT खड़गपुर ने, इसको ध्यान रखना है। और एक समय जो खड़गपुर रेलवे स्टेशन थी, इसका जो प्लेटफॉर्म था वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट था, जो कि अब सक्सीड किया गया है किसके द्वारा, तो आप बताओ कि गोरखपुर के द्वारा। युद्ध अभ्यास, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया गया किन दो कंट्रीज के बीच में। युद्ध अभ्यास जो सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में हुआ था? इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड USA, इंडिया एंड जापान। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज ये हाल ही में कंडक्ट किया गया है किन दो कंट्रीज के बीच में या किन दो देशों के बीच में, ये पूछा गया है आप लोगों से। वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध अभ्यास। कंडक्ट किया गया है किन दो कंट्रीज के बीच में, ये पूछा गया आपसे, तो आप क्या बताओगे, इंडिया एंड USA, भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने कल भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, वर्ल्ड कैंसर डे को, एक बार सभी लोग इसको रिप्लाई करो कि विश्व कैंसर दिवस या वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, जस्ट इन ऑर्डर टू रेज द अवेयरनेस फॉर दिस इंपॉर्टेंट एंड वी कैन से किलिंग डिजीज। और कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड कैंसर। और जो ऑनकोलॉजी है ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ऑनकोलॉजी कहते हैं। दिस इज द 4th of February, क्या होगा? 4th of February, ये ध्यान रखना है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो बेटा, सभी जितने भी लोग लाइव हैं। व्हाट विल बी द थीम ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय क्या था? फार्मर्स विद द नेशन, फार्मर्स एंड द एलाइड सेक्टर, हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ये चार विषय दिए गए हैं, चार थीम्स दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 है इसका थीम क्या रखा गया था? फार्मर्स विद द नेशन, फार्मर्स एंड द एलाइड सेक्टर, हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग,
या हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्ड, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। सभी लोग मुझे क्विकली इसको रिप्लाई कीजिए। थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का इसमें से विषय क्या था? तो आप क्या बताओगे? इट्स द डी ऑप्शन, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। विच कंट्री इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? कौन सा देश विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण कर रहा है? देखे ना, ये पूरी तरीके से सोलर पावर्ड होगी, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी होगा, देखे ना, जिसमें कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करेंगे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। और ये पूछा गया है कौन सा देश है जो कंस्ट्रक्ट कर रही है वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड। स्पार्टन ने कहा है डेनमार्क, शिखा ने कहा है डेनमार्क, दुर्गा श्री ने कहा है डेनमार्क। तो मेजोरिटी विंस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, डेनमार्क। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच कंट्री डू वी हैव एशियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर? एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव गलियारा किस देश में है? चाइना, इंडिया, भूटान, म्यांमार। इन विच कंट्री डू वी हैव द एशियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर? एशियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इनमें से किस कंट्री में है? चाइना में, इंडिया में, भूटान में या फिर म्यांमार में? एशियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, प्लीज गो फॉर इट। एशिया का सबसे बड़ा जो वन्य जीव गलियारा है ये किस देश में है? चाइना में, इंडिया में, भूटान में या फिर म्यांमार में? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। आप क्या बताओगे? Why you people underestimate India? आप लोग भारत को बिल्कुल underrated समझते हो। हम लोग भी आज के डेट में थर्ड फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी हैं और हमारे अंदर भी आगे बढ़ने की क्षमता है, तो आप इंडिया को बिल्कुल अंडरमाइन मत किया कीजिए। रेनॉन्ड आर्टिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी लक्ष्मी पाई पास्ट अवे विच स्टेट डिड ही बिलोंग टू? प्रसिद्ध कलाकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई का निधन हुआ है, वो किस राज्य से संबंधित थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या फिर केरल? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि और बच्चे इसके साथ जुड़ सकें। प्लीज गो फॉर द आंसर। आप 20th क्वेश्चन का आंसर करो। रेनॉन्ड आर्टिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी लक्ष्मण पाई पास्ट अवे रिसेंटली, विच स्टेट डिड ही बिलोंग टू? ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी सी ऑप्शन, दैट इज गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। विच कंट्री हैज ट्रेन द 4 कॉस्मोनॉट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर गगनयान, इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन? किस देश ने भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित किया है? किस कंट्री के 4 एस्ट्रोनॉट्स को, मतलब इसमें से पूछा गया कि इंडिया के जो 4 कॉस्मोनॉट हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है गगनयान के लिए, जो भारत की पहली आप कह सकते हो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान है, इंडिया का पहला फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन है, इन सारे कॉस्मोनॉट्स को ट्रेनिंग किसने दी है? अब देखो, यूएस, फ्रांस, जापान, रशिया, हमारा सबसे अच्छा जो फ्रेंड है वो कौन है? रशिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो है 2021 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, चाइना या श्रीलंका? विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? ये पूछा गया है आपसे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को इनमें से कौन सा देश होस्ट करेगा? किस देश के द्वारा जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी की जाएगी 2021 में? ये पूछा गया है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द इंडिया, इट्स नॉट द चाइना, इट्स द इंडिया। जितने लोगों ने बी ऑप्शन ट्राई किया है, जिन्होंने बी ऑप्शन पंच किया है, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैक्सिमम लोग आप लोग जवाब नहीं देते हो, जब आप लोग सेशन पे लाइव हो तो प्लीज थोड़ा खुला कीजिए आप लोग, गलत ही सही बट एटलीस्ट आप कम से कम आंसर्स तो प्रेजेंट करो। जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो? चलिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ द
ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे 2021। ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे 2021 का विषय क्या था? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, रिसाइक्लिंग द वेस्ट, सेलिब्रेटिंग आवर रिसाइक्लिंग हीरोज एंड सेलिब्रेटिंग द नेचर। ठीक है ना? प्लीज टेल मी व्हाट वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे 2021? ये पूछा गया है। थीम ऑफ द ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे 2021, प्लीज गो फॉर द आंसर। ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे 2021 का थीम क्या था? देखो, ये जो ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे है, ये सेलिब्रेट की जाती है कब, तो आप बताओगे 18th मार्च को, और इसका जो थीम था वो क्या था? सेलिब्रेटिंग आवर रिसाइक्लिंग हीरोज। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड? निम्नलिखित में से किससे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जीता है? नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 किस फिल्म को दी गई है? मराकार, मणिकर्णिका, 72 हूरे या छिछोरे? इसमें से कौन सी वो मूवी है जिसको कि 2019 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से ऑनर किया गया है या नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये पूछा गया है। मराकार, मणिकर्णिका, 72 हूरे या फिर छिछोरे? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। 72 हूरे, पूजा हंस भी रही है। नहीं नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द मराकार। क्या हो जाएगा? इट्स द मराकार, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये? इसको ध्यान रखना है। और इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन है? प्रियदर्शन। ये प्रियदर्शन की मूवी है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, अगला सवाल ये है। रिसेंटली द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पोषण अभियान टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज बीन टारगेटेड थ्रू द पोषण अभियान? हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की है। समाज के किस वर्ग को अभियान के माध्यम से लक्षित किया गया है? महिलाएं, वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं एवं बच्चों को, या एल्डरली पर्सन यानी कि बुजुर्गों को? ये पूछा गया है। तो जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई है, आप कह सकते हो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, ठीक है ना, वो किसको टारगेट किया जा रहा है इसके अंदर, तो आप क्या बताओगे? इट्स द एल्डरली पीपल। ये बिल्कुल ही अलग ऑप्शन है, तो आप ध्यान रखोगे बुजुर्ग को, एल्डरली पीपल्स को। डी इज द करेक्ट आंसर। विच राइटर हैज टू बी ऑनर्ड विद द व्यास सम्मान 2020? व्यास सम्मान 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? श्रीलाल शुक्ला, शरद पगारे, अमृतलाल नागर या सितारा देवी? ये पूछा गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द व्यास सम्मान 2020? व्यास सम्मान 2020 से में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? स्पार्टन का जो आंसर है वो क्या है? शरद पगारे। बाकी लोग प्लीज आंसर कीजिए इसको, जो भी लोग लाइव हैं प्लीज एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। Who among the following has been honored with the Vyas Samman 2020? आप क्या बताओगे? It's the B option, शरद पगारे। बिल्कुल सही है, B is the correct answer. Who has won the 2020 Maharashtra Bhushan Award of the Maharashtra Government? महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 इनमें से किसने जीता है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर 2020 हैज बीन वोन बाय हु अमंग द फॉलोइंग? लता मंगेशकर, आशा भोसले, उदित नारायण, सोनू निगम? ये पूछा गया है आपसे। 2020 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। एक बार सभी लोग रिस्पॉन्ड करें इस क्वेश्चन का आंसर। इज इट लता मंगेशकर, आशा भोसले, उदित नारायण या फिर सोनू निगम?
महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये क्या बताओगे? आशा भोसले। बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच रीजन न्यू स्पीसीज ऑफ लाइकेनिड बटरफ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड? लाइकेनाइड तितली की नई प्रजाति इनमें से किस क्षेत्र में खोजी गई है? देखो, इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे इंडिया से रिलेटेड, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इस बात को आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है, जो हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी है इंडिया में, वो कहाँ पे है? पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स में। तो जब भी कोई नई स्पीसीज हो लिजर्ड्स की, बटरफ्लाई की, तो अगर ऑप्शन में वेस्टर्न घाट्स हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट, सिंपली गो फॉर इट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। और वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे ध्यान रखना, हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहां पर है? वेस्टर्न घाट्स में। ये एक तरीका है चीजों को तुक्का लगाने का, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां जा सकते हो। जॉर्डन इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन निम्न में से किस देश से सीमाबद्ध है? सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया। इसमें से किसी एक कंट्री से, किसी दो कंट्री से, या फिर इन तीनों कंट्री से? तो जो जॉर्डन है, इसकी जो सीमा है, ये किन किन कंट्रीज के सीमाओं से टच करती है, ये पूछा गया है आपसे बेसिकली। जॉर्डन इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। तो आप क्या बताओगे? तो दिस इज द डी ऑप्शन, इसमें तीनों हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इनजेन्युटी। वॉट इज इनजेन्युटी? इनजेन्युटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनजेन्युटी इज अ स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर लोकेटेड ऑन द मार्स सिंस फेब्रुवरी 18, 2021। इनजेन्युटी मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 से स्थित एक छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है। इट इज इंटेंडेड टू मेक द फर्स्ट पावर्ड एटमॉस्फेरिक फ्लाइट ऑन अ प्लैनेट बियॉन्ड अर्थ, या पृथ्वी से परे एक ग्रह पर पहली संचालित वायुमंडलीय उड़ान बनाने का इरादा रखती है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनजेन्युटी के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। इनजेन्युटी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ये पूछा गया है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि एक स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जो लोकेटेड है मार्स के ऊपर सिंस फेब्रुवरी 18, 2021, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इट इज इंटेंडेड टू मेक द फर्स्ट पावर्ड एटमॉस्फेरिक फ्लाइट ऑन अ प्लैनेट बियॉन्ड अर्थ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखना आप लोगों को। विथ विच कंट्री India has signed the MOU for academic and research and exchange recently? किस देश के साथ भारत ने हाल ही में शैक्षणिक और अनुसंधान और विनिमय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? With which country India has signed the MOU for academic and research and exchange recently? किस देश के साथ भारत ने हाल ही में शैक्षणिक और अनुसंधान और विनिमय के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, या फिर इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्लीज गो फॉर द आंसर। एकेडमिक एंड रिसर्च एंड एक्सचेंज रिसेंटली, यूएस, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, एनी डाउट? सॉरी, एनी फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एंड एक्सचेंज रिसेंटली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान, ये ध्यान रखना है। Which country has urged the NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, to speed up his country's membership in the alliance? किस देश ने गठबंधन में अपने देशों की सदस्यता को गति देने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से आग्रह किया है? किस कंट्री ने इसे अर्ज किया है कि NATO में उसके मेंबरशिप को एक्सेप्टेंस दी जाए एज क्विकली एज पॉसिबल? ये बात रशिया कह रहा है, ये बात इंडिया कह रही है, ये बात यूक्रेन कह रहा है, और ये बात पाकिस्तान कह रहा है। विच कंट्री हैज अर्ज द नेटो टू स्पीड अप हिज कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस? प्लीज गो फॉर इट। आजकल एक कंट्री के साथ बहुत ज्यादा, हाँ, व्हाई वुड रशिया डू? ऑब्वियसली पूजा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हाई वुड रशिया डू? यही चीज तो तरीका है
कि क्वेश्चंस को जब आप लोग ऑडमैन आउट से करोगे ना तो आपको बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। और नेटो वैसे भी एक मिलिट्री अलायंस है नदर हेमिस्फेयर में होने वाले कंट्रीज की, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। इसमें आजकल यूक्रेन के साथ इसकी दोस्ती काफी बढ़ रही है ताकि वो रशिया को काउंटर कर सके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन। और वैसे भी रशिया और यूक्रेन में कोई अच्छी दोस्ती नहीं है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है वैसे रशिया यूक्रेन है, ये ध्यान रखना आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडिया सेशल्स रिलेशंस, भारत और सेशल्स के संबंधों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए उस पर आप विचार कीजिए। इंडिया हैज हैंडेड ओवर अ मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल टू द सेशल्स कोस्ट गार्ड, भारत ने सेशल्स कोस्ट गार्ड को एक मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपा है। इंडिया हैंडेड ओवर अ 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन द सेशल्स बिल्ट विद द इंडिया असिस्टेंस, भारत ने भारतीय तकनीक से निर्मित सेशल्स में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र सौंपा है। अब ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इंडिया और जो आइलैंड कंट्री सेशल्स है उसके रिलेशंस के बारे में, और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है सही है, तो आप बताओगे दोनों ही स्टेटमेंट सही है इंडिया और सेशल्स से रिलेटेड, इसको ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ Recently seen in news will be set up in National Institute of One Health की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? Is it Nagpur? Is it Delhi? Is it Mumbai? और is it Chennai? National Institute of One Health recently in news will be set up at which of the following places in India? Will it be set up in Nagpur or Delhi or Mumbai or Chennai? तो बताओ कि जो National Institute of One Health है इसको सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? तो आप बताएंगे नागपुर में। कहां पे? तो आप बताएंगे नागपुर में। Who among the following will assume the charge of office of the chief election commissioner with effect from 13th April 2021? निम्नलिखित में से कौन 13 अप्रैल 2021 से प्रभावी होने के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का प्रभार ग्रहण करेंगे? Who is going to be the next CEC or the chief election commissioner of India? Is it Sushil Chandra? Is it Bila Rajesh? Is it Kapil Dev Tripathi? Or is it Sanjay Agarwal? Who will assume the charge of the office of chief election commissioner with effect from 13th April 2021? The answer will be A option, that is Sushil Chandra. Bhulna nahi aapko. Lab on Wheels program recently seen in news is an initiative of which of the following university? Lab on Wheels program. Is it the initiative of Delhi Technological University DTU? Is it Indian Institute of Science Bangalore? Is it IIT Bombay? Or is it Anna University? Lab on Wheels program recently seen in news is an initiative of which of the following? This is the question for you. Is it the Delhi Technological University? Is it IISc Bangalore? Is it IIT Bombay? Or is it the Anna University? Please tell me. Lab on Wheels program. Jo bhi समाचार में है ये किस किस इनिशिएटिव है ये पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU की है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज व्हाट इज बायोलॉजिक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, बायोलॉजिक्स क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? अ नैनो पार्टिकल डिजाइन बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, अ 13 billion year old गैलेक्सी क्लस्टर, स्टेट ऑफ द आर्ट बायो हाइब्रिड रोबोट डेवलप्ड बाई चाइना, और नन ऑफ द अबव, ये पूछा गया है। वॉट इज बायोलॉजिक्स? इज इट अ नैनो पार्टिकल डिजाइन बाई द रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, इज इट अ 13 billion year old गैलेक्सी क्लस्टर, इट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट बायो हाइब्रिड रोबोट डेवलप्ड बाई चाइना, और इज इट द नोटा? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द ए ऑप्शन। Which of the following has been added to India's tentative list of UNESCO World Heritage Site? ठीक है ना? निम्नलिखित में से किसे UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों के भारत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? Tentative का मतलब अस्थायी हुआ। तो इनमें से UNESCO के World Heritage Site के tentative list में कौन कौन सी चीजें हैं? मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, हीरे बंगाल मेगालिथिक साइट्स इन कर्नाटका, गंगा घाट्स इन वाराणसी एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है
कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में, यानी कि अस्थाई सूची में, इनमें से किन साइट्स को ऐड किया गया है, किन साइट्स को इंक्लूड किया गया है, किन साइट्स को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो चारों साइट्स हैं ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? एसेंशियल हो जाएंगे। डी विल बी द करेक्ट आंसर। रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड एन एशियन ग्रेसाइल स्किंक स्पीसीज नेम्ड सबड्यूलिसेप्स नीलगिरियनेसिस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। शोधकर्ताओं ने हाल ही में सबड्यूलिसेप्स नीलगिरियनेसिस नाम की एक एशियाई ग्रेसाइल स्किंक प्रजाति की खोज की है। सबड्यूलिसेप्स नीलगिरियनेसिस नाम की एक एशियाई ग्रेसाइल स्किंक प्रजाति की खोज की है, कहां से? अरावली श्रृंखला से, हिमालयस में, ईस्टर्न घाट्स में या फिर वेस्टर्न घाट्स में। एशियन ग्रेसाइल स्किंक स्पीसीज नेम्ड सबड्यूलिसेप्स नीलगिरियनेसिस कहां से निकाला गया? मैंने क्या बताया था कि जब प्रजातियों की बात आती है तो आप उसके हिसाब से किसको देख सकते हो, तो आप क्या बताओगे? इट्स द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। हु वॉज के अग्रवाल? के अग्रवाल कौन थे, तो आप क्या बताओगे? फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हिंदी फिल्म आर्टिस्ट, फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर एंड इंडियन फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। हु वॉज के अग्रवाल? फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हिंदी फिल्म आर्टिस्ट, फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर और एन इंडियन फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। एनी आइडिया अबाउट दिस? आप बताओगे इट्स एन इंडियन फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। सो गाइस प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। CDS, OTA, CAPF 2020। यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन बेंचेस बाय एग्जाम्पल पे आपके लिए YT सेशंस लाए गए हैं, सुबह 8 से रात के 7 बजे तक। मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 करंट अफेयर्स इट इज टेकन बाय मी, देन रेस्ट ऑफ द सेशंस विल बी हेल्ड ऑन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 9 AM वोकैबुलरी नितिन मिश्रा सर, 10 AM पॉलिटी करुणा मैम, 11:30 AM मैथ्स मैथमेटिक्स दीपेंद्र सिंह सर, 12:30 PM SSB इंटरव्यू करुणा मैम, 1 PM इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके इट इज टेकन बाय मी, 2 PM CAPA पेपर टू इंग्लिश नितिन मिश्रा सर, 3 PM ज्योग्राफी डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह सर, 4 PM हिस्ट्री इट्स प्रबल सर, 5 PM रीजनिंग सोनल मैम, 6 PM साइंस जुवेर सर एंड 7 PM इंग्लिश ग्रामर विद अनिल रोहिला सर। प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ इट। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू हैव दिस कॉम्बो बैच यू कैन सिंपली ज्वाइन इट। CDS, CAPF, FCAT combo batch under Rankles 2.0 for daily live classes, PDF, practice questions, expert faculties, guidelines and proper doubt resolution. You can avail our combo batch for just ₹2499. What you need to do is just log into example.com and also you can make a call to us for the inquiry of these batches on 9873111555 and WhatsApp us on 8448116245. So guys, thank you so much. See you tomorrow at 8 a.m. for the Express 365 Current Affairs. And all of you, please keep enjoying, keep learning with me and just do take very good care of yourself. Thanks a lot. Bye-bye. Take care and Jai Hind. Thank you, everyone.